प्रिय गुरुजी, मेरे मन में अभी बस 3 प्रश्न हैं, जिसे आप बिना प्रश्न पूछे ही जवाब दे दीजिए, मैं समझ लूंगी। मौन का प्रश्न हो तो उत्तर भी मौन में ही मिलेगा। देखो, कई बार तुम सपने में प्रणाम करते हो तो मैं आशीर्वाद भी सपने में ही देता हूँ ना। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से और ज्ञान की बातें करने से पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं क्या? हाँ जरूर, और आगे बनते नहीं। प्राणायाम और ध्यान करने से पाप नष्ट होते हैं। ज्ञान की किताबें पढ़ने से आगे का रास्ता खुल जाता है, जो पाप होने से बचता है। मन में जो विचार हैं, सद विचारें उठेंगे, तो इसलिए ये करना चाहिए। वो गीता तो पढ़, कितने लोगों ने गीता पढ़ी है यहाँ पर? कितने लोगों ने अभी तक गीता नहीं पढ़ी है? हाथ उठाओ। बाप रे बाप भाई, हमारे देश का सबसे श्रेष्ठ, सबसे जो प्रमुख ग्रंथ है भगवद गीता, वो तो सबको पढ़ना चाहिए एक बार कम से कम। अब हम अमेरिका में पूछते हैं कि कितने लोगों ने बाइबल पढ़ी, कि सब के सब हाथ उठ जाते हैं, शायद थोड़े लोगों को छोड़कर। एक बार तो सबने बाइबल पढ़ाए होगा। पाकिस्तान में पूछो कितने लोगों ने कुरान पढ़ी, मेरे ख्याल से सब के सब हाथ उठ जाते हैं, थोड़े लोग शायद नहीं भी पढ़े हों। हिंदुस्तान में पूछे कितने लोगों ने गीता नहीं पढ़ी, सबके सब हाथ उठ जाते हैं, थोड़े लोगों को छोड़कर। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। देश के जो पिता रहे महात्मा गांधी, वो रोज गीता पढ़ते थे। गीता एक ऐसी ग्रंथ है जिसमें हजारों लोगों ने, जिसके ऊपर अपना 1000 कमेंट्री है आज गीता की। इतना अच्छा ज्ञान है, सब है, इसलिए कम से कम एक बार तो सबको गीता पढ़नी चाहिए। हिंदुस्तान में पैदा हुए कोई भी क्यों ना हो, तुम जैन हो चाहे बौद्ध हो चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, एक बार गीता सबको पढ़ लेना चाहिए, कम से कम एक बार ना। उसका ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान, वो सब समझ में आएगा। जितना समझ में आया उतना ही सही, एक बार तो पढ़ना चाहिए। कितने विदेश के साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने गीता पढ़ी है और उससे चकित हो गए कि इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं हिंदुस्तान में। हम लोग अपने यहाँ रखें खान है तो सोने की खान, मगर रो रहे हैं उसके ऊपर बैठे रोटी के लिए। ऐसा नहीं है, पढ़ना चाहिए है? पढ़ेंगे एक गीता का प्रति लेके, एक सुबह वो शुरू से आखिर तक एक बार पढ़ लिया, जितना समझ में आया उतना सही। कम से कम इतना तो हाथ तो उठा सकते, गीता पढ़ा है कि नहीं।